भारत में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच देश में संक्रमण से ठीक हुए मरीजों की संख्या 15 लाख को पार कर गई है। तो वहीं 10 राज्यों से 80% मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 62,064 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 1,007 लोगों की मौत हुई। लगातार चौथे दिन कोरोना के 60,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब कोरोना के 22,15,075 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,34,945 एक्टिव केसेस हैं, तो वहीं 15,35,744 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 44,386 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 2,45,83,558 सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। रिकवरी रेट 69.33% है और मृत्यु दर 2% है। जहां रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं डेथ रेट में कमी आ रही है। भारत में रोजाना कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं, तो वहीं कुल मामलों की बात करें तो पूरी दुनिया में कोविड-19 के 2 करोड़ से भी ज्यादा मामले हो चुके हैं, जिनमें अमेरिका, ब्राजील और भारत सबसे आगे है। अमेरिका के बाद ब्राजील में भी कोरोना से 1 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में अब भारत की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। भारत में 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच कोरोना के कुल 3,99,263 केस दर्ज किए गए, जबकि इन 7 दिनों की अवधि में अमेरिका में कुल 3,84,089 मामले सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट।